पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुरप्रसाद ज्ञान ध्यान किश कर्म न जान सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना नाहन निर्मल करनी साध संगत का अंचल लाभ हो बिखम नदी जाए तरनी से संजोग करो मेरे प्यारे जित रसना हर नाम उचारे से संजोग करो मेरे प्यारे जित रसना हर नाम उचारे वाह बदलिया क्यों आज हुक्मनामा जड़ा हुक्मनामा आया है बदल दिता मुड़ के वाह वाह सतनाम वाहे गुरु जी आसा महला पंजवा शांत घर सेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक जाको भय कृपाल प्रभ हर हर सेई जपात नानक प्रीत लगी तिन राम सियों भेटत साध संगात जाको भय कृपाल प्रभ हर हर सेई जपात नानक प्रीत लगी तिन राम सियों भेटत साध संगात वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी में सजी हुई वडभागी सात संगत सतगुरु जी ने अपार बख्शिश की है इस पाक कड़ी सत्संग की सन प्राप्त हुई है। आसा राग दे विच पंचम पातशाह का पावन शब्द जो शंत दे रूप दे विच है अते जिसनों छेवें घर विच गायन करन दी हदायत है इस शब्द दे नाल जो पहला श्लोक आया है इस दा पाठ आपां सरवण कीता है। ये शब्द अते श्लोक अज इस स्थान तो सतगुरु जी ने सानू हुक्मनामा बख्शिश किया है। रहमत कर रहे हैं सतगुरु जी आसा महला पंजवां शंत घर सेवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद अकाल पुरख परमेश्वर का मंगल है जो सारी सृष्टि नू साजनहार है प्रतिपालना करन वाला है अति नाश करन वाला है साडे अंदर भी है बाहर भी है हर थां ही सर्वव्यापक है। वह सत है
आदि विच भी सत सी हुण भी सत है अते सृष्टि जे ना भी रहे तां भी वह इस तरह ही रहेगा उसकी होंद सदा ही है। अजिहे वाहिगुरु परमेश्वर की सोझी सतगुरु जी की कृपा दे नाल हुंदी है। अजिहे परमेश्वर का स्वरूप जो सतगुरु है आओ सतगुरां दा ध्यान करके आपां अज जो सतगुरु जी ने सानू हुक्म बख्शिश किया है इस दी विचार आपां प्यार दे नाल सरवण करिए। श्लोक जाको पाई कृपाल प्रभ हर हर सी जपात। जिन्हां दे उत्ते अकाल पुरख परमेश्वर रहमत करता है परमेश्वर का नाम वो जपते हैं। आप जपाए तो जपिए नाम, आप गवाए तो हर गुण गाओ। ये अपने वस की भी गल कोई नहीं है, कोई कहे कि मैं नाम जपांगा जी और जप के मैं वो अवस्था प्राप्त करांगा जो महाराज ने गुरबाणी जिक्र किया है। आप पिछे सुन रहे हैं जपजी साहब की विचार विच, ये कोई जोर नहीं है। इतने ये भी आप सुन लिया सी कि इस काम में जोर कोई नहीं चलता है, उहदी रहमत है। भावना देखता है गुरसिख की कि भावना किस तरह की है। साढ़े बाहरले पहरावे वाल नहीं देखता, वो साढ़े अंदर की है इस गल नूं देखता है। साढ़े अंदर प्रेम किन्ना है, जे तो प्रेम है भावना है फिर तो वह रहमत कर दिंदा है। जो तरुठदा है तो गुरु दे राही वह नाम का दान बख्शता है। और जिसनों नाम का दान बख्श दिंदा है फिर उसते अगली कृपा ये करता है कि उसनों सत्संग दे नाल मिला दिंदा है। सत्संग दे सहारे नाल जिवें जिवें उसनों संगत विचों ज्ञान हुंदा है, प्रेरणा मिलती है नाम जपण दी, तो नाम जपदा है, अगे वधदा जांदा है। आप सुन रहे सी कि किवें वखरे वखरे पड़ा हन, धर्म खंड है, फिर ज्ञान खंड है, फिर शर्म खंड है, फिर कर्म खंड है, फिर सच खंड है। ये मंजिलां हन इस मार्ग दियां। सो जेड़े लग पाए जपण उन्हां दे ते होर रहमतां हुंदियां जांदियां। नानक प्रीत लगी तिस राम सिंह भेटत साध संगा। संगत नाल जुड़े रहे, जिवें किसान फसल बीज के घेरे घेरे वाड़ करता है। वाड़ का मतलब यह है कि बाहरों पशु आ के इस खेत में उजाड़न, राखी वास्ते है। इस तरह ही फसल तो नाम दी है, वो बीज रीती गुरु ने साके अंदर, हुण इस फसल नू बचाउणा भी है। बचाउण वास्ते फिर गुरु आप प्रबंध कर रहा है, उसनू संगत नाल जोड़न, संगत वाड़ है। जिहड़ा संगत नाल जुड़िया रहिंदा है वह विकारां रूपी जिहड़े जानवर हन बाहरों हल्ला करन वाले, जिहड़े इस अमोलक दात नू लुटण वाले हन, उन्हां तों बचा रखदी है, संगत बचाउंदी है। संगत दे विच पाया ते भावनी पैदा हुंदी है, जिवें जिवें संगत नाल प्रेम बनता जाता है और साडे अंदर भय भी पैदा हुंदा है। किहड़ा भय? निर्मल भय कि गुरु ने साडे ते इन्नी कृपा कीती है असीं भी कुछ करिए, और मन विच सत्कार श्रद्धा भावना ये बना के फिर गुरसिख अगे वधदा है। मर कहिंदे कि संगत दे नाल जुड़ के फिर ऐसा प्रेम लगता है कि जिस वाहिगुरु परमेश्वर का नाम जपदा सी, नाम जपदें जपदें उस विच ही अभेद हो जाता है। जिहड़ा शब्द है अगे इस दे विच महाराज ने अलंकारक बोली बोली है, दृष्टांत दिते हैं महाराज ने समझाउण दे वास्ते। जिवें आपां कह देंदे हाँ कि फलाने का नाम बड़ा है,
ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਚਮਕ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਨਾਮ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ। ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਠੰਡ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਠੰਡ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਾਂਗ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਰਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਰਤ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ। ਛੰਦ ਜਲ ਦੁੱਧ ਨਿਆਈ ਰੀਤ ਅਬ ਦੁੱਧ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਮਨ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰੇ। ਵਿਸਰਾਮ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਠਿਨਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢੋ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੋਈ ਉਕਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਲ ਦੁੱਧ ਨਿਆਈ ਰੀਤ ਅਬ ਦੁੱਧ ਆਂਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਲੱਗਿਆ, ਮਨ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੜਦਿਆਂ ਸੜਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜ ਲਿਆ, ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬਚ ਗਿਆ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਖੋਆ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨੇ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸਿਮਰਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਅਤੇ ਦੁਖੀ, ਸੁੱਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਹੈ। ਅਬ ਉਰਜਿਓ ਅਲ ਕਮਲੇਹੇ ਬਾਸਨ ਮਾਹੇ ਮਗਨ, ਇੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਆਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਪੀ ਨਾਹੇ ਕਰੈ। ਅਬ ਉਰਜਿਓ ਅਲ ਕਮਲੇਹੇ ਬਾਸਨ ਮਾਹੇ ਮਗਨ, ਜਿਵੇਂ ਭੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਮਗਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਧਰੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਛਿਪਦਾ ਹੈ, ਕਮਲ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭੌਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਖੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਭੌਰੇ ਦਾ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ ਜਿਵੇਂ ਭੌਰਾ, ਭੌਰਾ ਦੂਰੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੱਗੂ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਗੂ ਨੂੰ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਭੌਰਾ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆ ਕੇ ਐਸੇ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਭੌਰੇ ਵਾਂਗ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਐਸੇ ਮਗਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭੌਰੇ ਵਾਂਗੂ
कि फिर बाहरला उगना बाहर दियां गल्लां दा ध्यान सारा ही खत्म हो जाता है। महाराज कहिंदे इदां दा तुम्हें कर ला अपना प्यार पाला खिंद ना है करी है प्रीत हरिया शिंगार हब रस हर पी है। एक हुण होर उदाहरण दित्ती है कहिंदे कि ऐसा ऐसा प्रेम कि रह नहीं सकता है भौरा इस सगंधी तो बिना नहीं रह सकता खिन नाहें करिया प्रीत हरिया। इस तरह ही रब दे प्यारियां दा प्रेम जिहड़ा है वह रब नाल हो जाता है वह नहीं रह सकते। जिवें कल परसों आप सुन रहे सी ना कि रब दा ये प्यारा ये नहीं वेखदा है कि अज जिहड़ा है मौसम ठीक नहीं है तो चलो अज की जाना है कपड़े भिज जाणगे पैर लिबड़ जाणगे अज चलो इत्थे ही काम चला लैने ये नहीं सोचता है। वो तो दौड़ के जाता चखड़ झांगी भी बरसै पीगुर देखण जाई चाहे किस तरह का भी मौसम होवे गुरसिख नहीं रह सकता गुरु के दर्शनां तों बिना। समुंदर सागर होवे बहु खारा गुरसिख लंघ गुरु पै जाई रस्ते च किन्ना वड्डा समुंदर क्यों पव किन्नी वड्डियां रुकावटां क्यों ना होण गुरसिख उह सारियां रुकावटां नूं दूर करके अपने इष्ट दे कोल अपने गुरु दे कोल जरूर पहुँचदा है। ये प्यार है। महाराज कहिंदे कि जदों इन्ना प्यार हो जावे हब रस अर्पी है शिंगार हब रस अर्पी है हरिए दे ते विश्राम आवेगा शिंगार हब रस अर्पीए फिर जदों प्यार हो गया ना गुरु दे नाल फिर संसारक रस तरह तरह के रस हैं छे रस कहे हैं ये तरह तरह के रस हैं ये जड़े हैं ते नाल ही शिंगार विखावा ये सारा कुछ ही मतलब गुरु नूं अर्पण कर देना चाहिए है पाव वार देना चाहिए है सच्चे पातशाह मैनू हुण आ संसारी रसां नाल कोई मेरा संबंध नहीं है संसारी रस मैनू चंगे नहीं लगते हैं मैनू आह बाहरी शिंगार चंगा नहीं लगता है मन नूं सुंदर बनाउणा है अपने जिन्ना सुंदर मन बन जाएगा उन्ना ही गुरु नूं चंगा लगेगा। जै दुख सुनिए जम पंथ भणिए तै साध संग ना गपिए कहिंदे कि जमा दा पंथ जिहड़ा है जिहड़े रब नूं भुल्ले पए हन उन्हां नूं जमा दे रस्ते जाणा पैंदा है। ये तकरीबन हर धर्म च गल आई है जम सजा देण वाले हन उन्हां दा घर भी है। महाराज कहिंदे कि जिथे जमा दा घर है ते उन्हां द्वारा दित्ते हुए दुख जड़े हन उन्हां बारे आपां गल्लां सुणदे हाँ तां साध संग ना गरपीए तुसीं संगत ना जुड़ जाओ तुहानूं इह गर खत्म हो जाएगा तुहाडा इह गर खत्म हो जाएगा। इहदा मतलब है कि गुरसिख ने जिथे गुरु की बाणी नाल गुरु के बख्शे नाम के नाल प्यार करना है इस दे नाल ही गुरु की संगत नाल भी प्यार करना है। की होएगा संग सतसंगी होएगा तो तेरे सारे डर दूर हो जाएंगे तेनों जमा का कोई डर नहीं रहेगा। जै साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत ना होना तू ना छकै निक न जाई हो दूत जमा हुक्म ही नहीं है उस पासे जाण दा जिथे रब का कीर्तन हो रहा है रब का जस हो रहा है जिथे सतसंग हो रहा उस पासे जम नहीं आ सकते इन निरपा हो जाता। हर कीरत गोबिंद गुणी है सगल प्राशत दुख हरे फिर गुरु की संगत च आ के हरी जस करना सुनना गुणिए का मतलब गाउणा ये करन दे नाल सारे ही प्राशत की होंदे न पाप संताप भी इहदा अर्थ है जां पछतावे गलत काम कर लिया मुड़के बंदा पछताउंदा है ये पछतावे अते इन्हां पछतावियां दा दुख फिर बंदा झूरी जांदा है पहला गलत कर बैठदा है मन जानत सब बात जानत ही औगन करे ये नहीं कि सानू पता नहीं है असीं आ गलती कर लगे हाँ
पता भी है, गुरु सचेत करता है, लेकिन फिर गलती कर देने हैं। फिर बाद दे विच की है, फिर डर आता है। कहो नानक संत गोविंद हर के मन हरस्यो ने करे हो ऐसी मन प्रीत हरे। हे प्यारे, जिमें जल ते दुध का संबंध है ना, जल दुध नूं आंच नहीं आउण दिंदा, जिमें भौरे अते कमल दे फुल का संबंध है, इस तरह का प्रेम पा लै तू गुरु दे नाल, ऐसा प्रेम पा लै ते उहदे गुण गाया कर, गोविंद दे गुण गाया कर। हुण इक होर अगे दृष्टांत दे रहे, जैसी मछली नीर एक खिन पीना धीरे, मन ऐसा नेह करिहो। जिवें मच्छी पानी तो बिना एक छिन भी नहीं रह सकती, तड़फदी है ना। हे प्यारिया, ऐसा गुरु नाल प्यार पा लै, तैनू इन्ना प्यार होवे कि जे किते तेरे कोलों सवेरे उठना लेट हो जावे तो तेरे अंदर अपने आप दे अपने आप ना घिरना होवे कि अज की हो गया है, किहड़ा गुनाह हो गया है, अज मेरा अमृत वेला नहीं संभाला गया, अज मेरा नितनेम रह गया। जे किते सतसंग जाण तों रह जावें तूं ते अपने आप नूं तैनूं महसूस होवे, तड़फ अंदर तड़फ पैदा होए मच्छी दे वांग कि अज मैं जा नहीं सकिया। क्योंकि देखो महाराज ने जिहड़ा कहा ना, नितनेम की है, जिन रोज़ ही करना है, संगत दा नितनेम रोज़ दा नेम है, अमृत वेले दा नितनेम रोज़ दा नेम है। ये रोज़ दा मतलब यह है कि गुरु ने नज़र करनी है, पता नहीं कदों करनी है, किस वेले करनी है। जिदन आप ना आए, हो सकता उस दिन ही होनी हो, फिर की करांगे, फिर वारी बड़ी दूर है, एक वारी वारी लंघी। इस करके नेम तो प्रेम पैदा होंदा है, तो प्रेम नाल रब मिलता है। नेम करन दा मतलब ये है कि एक प्रेम पाउणा है गुरु दे नाल। फिर नहीं, जिहड़ा प्रेमी है ना, जिहड़ा नेमी बन जाता है, वो प्रेमी भी बन जाता है गुरु दा। महाराज कहिंदे मछली वांगू पा लो प्रेम, फिर जैसी चातरक प्यास खिन खिन बूंद चवै बरस सुहावे मेह। हुण एक होर अलंकार वरत्या है, कहिंदे देखो चातरक दा बबीहे दा स्वांती बूंदा ना, आकाश च डिगण वालियां बूंदा दा मीह दे नाल प्यार है। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਵੇ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵਾਜਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਹ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵਰਸ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝੇ। ਬਬੀਹਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਬਬੀਹਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਲੈ ਤੂੰ ਹੀ, ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਕਰੀਜੈ ਇਹ ਮਨ ਦੀਜੈ ਅਤ ਲਾਈਏ ਚਿੱਤ ਮਰਾਰੀ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲੈ। ਮਾਨਕ ਕੀਜੈ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰੀਜੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾ, ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਇਆ ਕਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਮਝਿਆ ਕਰ, ਜਿੱਦਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਰ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਅਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ, ਗੁਰਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨੇ ਮਿਲਨਹਾ ਵਿਛੁੰਨੇ ਤਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਚ ਸੁਨੇਹਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ, ਮਿਲਨਹਾ ਵਿਛੁੰਨੇ ਤਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਚ ਸੁਨੇਹਾ। ਤਨ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜਗਿਆਸੂ ਜੀਵਾਤਮਾ, ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਨਾਹਾ ਨਾਹਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,
ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਛੁੰਨੇ ਹੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਰਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਛੜ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸ਼ੰਤ ਅਨੰਤ ਠਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਿਓਂ ਕੀਜੇ ਨੇਹਾ, ਮਨ ਐਸਾ ਨੇਹ ਕਰਿਓ। ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਚਾਤਰਕ ਦਾ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਰੁਖੇਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਗੇ ਨੂੰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੋਆ ਵਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਘ ਨੂੰ ਵੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਬੀਹਾ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਰਸੋਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੱਕਵੀ ਸੂਰ ਸੁਨੇਹੇ ਚਿਤਵੈ ਆਸ ਕਣੀ ਕਦ ਦਿਨੀਅਰ ਦੇਖੀਏ। ਅਗਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਚੱਕਵੀ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚਕੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਚਕੋਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਚੱਕਵੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਛੁੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੱਕਵੀ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੂਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤੱਕ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜ। ਜਿਵੇਂ ਚੱਕਵੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈ। ਕੋਕਲ ਅੰਬ ਪ੍ਰੀਤ ਚਵੇ ਸੁਹਾਵਿਆ, ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਕੀਜੀਐ। ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਕੋਇਲ ਦਾ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਜਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੁਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜਾ, ਸਿਰ ਦੀਜਾ ਕਾੜ ਨਾ ਕੀਜਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਕੋਇਲ ਦਾ ਅੰਬਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰੁੱਤ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਇਲ ਵਾਂਗ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਰ। ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਲਾ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੀਜੈ ਮਾਣ ਨ ਕੀਜੈ। ਇੱਕ ਰਾਤੀ ਕੇ ਹਬ ਪਹੁਣਿਆ, ਹਬ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਲਾ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ ਮਨ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਮੀ ਦਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਦਮ ਸਵਾਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਬ ਕਿਆ ਰੰਗ ਲਾਇਓ ਮੋਹਰ ਚਾਇਓ, ਨਾਂਗੇ ਆਵਣ ਜਾਣਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਨੰਗਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਨੰਗਿਆਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਦੇਖ ਲਾ ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਿਲੇ ਉਸਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਖੰਡਰ ਬਣੇ ਪਏ ਹਨ ਅੱਜ ਕਿਲੇ ਉਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਥਿਰ ਸਾਧੂ ਸ਼ਰਣੀ ਪੜੀ ਹੈ ਚਰ ਵਾਹਿ
फिर साधु शरणी पढ़ गया चरणी अब टूट समोह जो कितिया। साधु गुरु गुरु की शरण में पै जा, पढ़ गया चरणी गुरु के चरणों का आसरा ले ला, गुरु के बचना का, चरणों का मतलब गुरु के बचना उपदेशों का आसरा ले ला। अब टूट समोह जो कितिया की होएगा, आ जड़ा मोह है ना तेरे अंदर पिया होया ये टुटेगा जे तू गुरु के चरणों का आसरा ले। सब तो वड्डी रुकावट रब नूं मिलण च मोह है, बहुत वड्डी वड्डी रुकावट है। चाहे वह परिवार ना होवे, चाहे वह धन नाल होवे, चाहे वह अपने काम नाल होवे, जिथे भी किते मोह है ये वड्डी रुकावट बनता है। इस पासे ममता च फसिया बंदा ना नितनेमी बनता है, ना अमृत वेड़ा संभालता है, ना सत्संगी बनता है। इस करके सुरती उच्ची चुकनी पैंदी, गुरु का आसरा लैके सुरती उच्ची होवे तो फिर गल बनती है। इस पासे वाहिगुरु कहो नानक संत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत, कब दिनियर देखी है। गा गुरु दे गुण परमेश्वर दे गुण गा, ये संत गाया कर ते तरले लिया कर, जिवें रात नू जड़ी है चकवी जड़ी है वो तरले लेंदी है, दिन सूरज कदों दिन चढ़े ते सूरज रात नू ही तैयारी रखा करके सवेरे मैं गुरु घर जाना है। जिवें जाना होवे ना किसी रिश्तेदार दे किसी काम वास्ते जाना हो तो रात तैयारी नहीं करते, बैग बूग तैयार कर लेंगे, इस तरह तैयारी रात ही होनी चाहिए है, फिर ही सवेरे पहुँचा जाता गुरु की संगत। जे कि सवेरे उठ के सारा कुछ तैयार होकर फिर जाना फिर मुश्किल है, फिर लेट हो जाएगा। वाह निसकरंक जैसे नाद सुन सरवणी यो गवाए, मन ऐसी प्रीत की जाए। निस रात नू करंक हिरन जैसे नाद सुन सरवणी यो गिवे, जिमें रात नू एक आवाज़ है नाद है जो शिकारी आवाज़ करे उसनू घंटे हेड़े की आवाज़ कहते हैं। एक सोटी दे नाल ना विंगी जी करके उदे नाल एक तार बन लेंदे हैं लंबी, उस तार नू इस तरीके दे नाल हिलाउंदे हन कि उदे चों बड़ी कमाल की आवाज़ निकलती है, इनू घंटे हेड़े की आवाज़ कहते हैं। इस आवाज़ ये जी आवाज़ है हिरनू बड़ी प्यारी लगती है, जो ये आवाज़ सुनता है तो उस पासे नू भज्जा आता है आवाज़ वाल शिकारी दे काबू आ जाता है। इत्थे उदाहरण ये दिती है महाराज ने कि जिवें हिरन की प्रीति है नाद नाल आवाज़ नाल, तेरा भी इस तरह ही गुरु के शब्द नाल प्यार पैना चाहिए है। गुरु का शब्द जड़ा है ये सुन के तेरे अंदर चाओ पैदा हो, महा पैदा हो। जिवें मोर पैला नहीं पाँदा है बदलों वेख के, कीर्तन हो रहा होवे कथा हो रही होवे तेरे मन च खेड़ा आवे चाओ पैदा होवे भज के जाके सुना फिर स्वाद आता है। जे पैर घसाते घसाते आइए प्रसाद दे वेले फिर नहीं कोई स्वाद आता। वाहिगुरु जैसी तरन पधार उर्जी पिर है सवै ये मन लाल दीजै। एक होर उदाहरण दिती महाराज ने जिवें जवान इसत्री तरन जवान पतार इसत्री व्याई हुई उर्जी पिरहे सिवै, सिवै का मतलब सेवा। जिवें जवान इसत्री जदों व्याह हुंदा है तो पति नू खुश करन वास्ते उहदी बड़ी सेवा करती है, तरह तरह के खाने बना के खवाउंदी है, हर तरीके दे नाल उसदी खुशी चाहुंदी है। ऐदा तू ही कर ला। वाहिगुरु मन लाल है दीजै भोग करीजै हव खुशियां रंग माणे, तू ही वाहिगुरु परमेश्वर नू गुरु नू अपना जे इसत्री जवान अपना आपा समर्पण कर देंदी है अपने पति दे अगे ते उसदे प्यार दा आनंद माणदी है
इस तरह है, तू ही क्यों नहीं इदा करता है, तू ही गुरु के अगे अपना आपा समर्पण कर दे ना, फिर वेखी गुरु के प्यार का आनंद। जिहो जिहा आनंद कोई दुनिया विच नहीं है, वह आनंद तैनू आएगा। फिर अपना पाया रंग लाल बनाया, आत्म मिलियो मित्र चराने। जदों जिवें जीव इसत्री कंत मिलता है तो उहदे ते रंग चढ़ता है। जो नौजवान बच्ची जदों व्याही जाती है ना, चलो बाद च तो चिंतावां पैदा हो जांदी आ, पहला पहला शुरू शुरू जो एक वारी तां लाली चढ़ जाती है, रंग बदल जाता है। तुसीं आप महसूस करके वेख लैना क्यों चाओ बड़ा हुंदा। इस तरह का क्यों नहीं तेरे अंदर चाह पैदा हुंदा अपने गुरु के प्रति, ताकि तेरा भी रंग लाल हो जाए, तेरे ते भी तेरे भी चेहरे ते खेड़ा आवे, खुशी विच तू उछलदा हो रहे। इस तरह का तेरे अंदर भी चाहिए है ना। गुरथिया साखी तां कि खम आखी, आखी पढ़ना है पाठ, आखी नहीं, आखी का मतलब आखना, आखी अखा नाल, अखा नाल वेखना, गिकम वेखना। फिर जिहा वरना दीस है, गुरथिया साखी, साखी गुरु का उपदेश, गुरसाखी जोत प्रगट होए, साखी का मतलब उपदेश। गुरु दे उपदेश का जब ध्यान न सुनिया विचारिया तो गिखम आखी, अखा नाल दिस पिया वाहेगुरु, फिर परमेश्वर, फिर परमेश्वर कंत दिस पिया अखा नाल, तो फिर दिसया भी किस तरह, फिर जिहा वरना दिस है। हुण उहदे वर्गा होर नहीं कोई मैनूं दिसदा है। बड़े इंसान हन दुनिया के उत्ते, लेकिन होर उहदे वर्गा ने, बड़े गुरु हन दुनिया के उत्ते, पर हुण ऐसा प्रेम हो गया अपने गुरु नाल, मैनूं अपने गुरु वर्गा होर कोई गुरु नहीं दिसदा। कहो नानक संत दयाल मोहन के, मन हर चरण गहीजै ऐसी मन प्रीत कीजै। हे प्यारे, मन नूं मोहन वाला वाहेगुरु जो कंत है, उस दे चरणां नूं पकड़ लै, आसरा लै लै, सहारा लै लै उस दे चरणां दा। किवें? उहदे गुण गाया कर। उस दयालु मन नूं पाउण वाले वाहेगुरु कंत दे गुण गाया कर। मन ऐसी प्रीत की जाए, इस तरह का प्रेम पा लै। सो उदाहरण दे के महाराज ने गुरु परमेश्वर नाल प्रेम करन दा सानूं जिहड़ा जुगती दसी है, ये जिन्ने दृष्टांत वरते गए हैं, ये सिर्फ सानूं समझाउण वास्ते है। जे ध्यान दे नाल आपां थोड़ा जा जिहड़े शब्द हैं इहो जिहे जिहड़े हैं, आपां तो पाठ करदे सहज पाठ करदे करदे ने पता नहीं किहड़े वे लंघ जांदे हैं। विचार इस करके लोड पैंदी है कि विचार दे नाल सानूं समझ आउंदी है, साडे अंदर गल वसदी है। हुण देख लो किन्नियां उदाहरणां महाराज ने दे के सानूं ये समझाया है, एक शब्द दे राहीं कि प्यारिया पा लै प्रेम। प्रेम किवें? प्रेम जिथे प्रेम है उत्थे याद है, जिहदे नाल प्रेम है वह मुड़ मुड़ याद आना चाहिए है ना। जे मुड़ मुड़ याद नहीं आता है प्रेम कहदा है। इस करके ऐसा प्रेम पा लै कि तैनू गुरु मुड़ मुड़ के याद आवे, हर वेले ही याद आवे। कोई दुनिया का काम इस अड़िका ना बने, कोई दुनिया का रिश्ता इस अड़िका ना बने। सावधान, ये तू फसदा आप ही है, कोई तैनू नहीं फसाउंदा है, तू आप ही खुद ही फसदा है। जे गुरु दे शब्द का सहारा लेके चलेगा तो गुरु का शब्द तेरी राखी भी करेगा, बचा भी लवेगा। गुरु का शब्द पहरेदार बन जाता है, पहरा दिंदा है। गुर का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे। हर वेले सतगुरु जी कृपा करन, समाप्ती का समा हो गया है। अज आप सरमखंड की विचार करनी सी, सतगुरु जी कृपा करन क्योंकि शब्द लंबा सी। दूसरी बेनती यह है कि जड़ा हुक्मनामा आता है ना, देखो उत्थे उही इत्थे उन्हूं बदलिया ना करो। इत्थे वार दे विचों हुक्मनामा कढ़िया होया सी। दूसरी गल यह है कि हुक्मनामा लैण की मर्यादा है जिहड़ी
अकाल तख्त साहब तो रहत मर्यादा लागू हुई है ना, उहदे विच खब्बे पासे तो गुरु ग्रंथ साहिब दे खब्बे पासे खब्बे अंग तो जिहड़ा शब्द शुरू हुंदा है उत्तों उस शब्द का हुक्मनामा लेना है। जे वह शब्द पिछों शुरू हुंदा है तो पन्ना जिहड़ा है परत लेना है, अंग नूं पिछों परत लेना है। अज ये जिहड़े शब्द आ तुसीं हुक्मनामा ये अज लिखिया है ये ऐन विचकारों लिया है, थोड़ी उकाई है, इस तो थोड़ा सावधान अगे तो रहना। हाँ ये जरूर है कि आप गुरु ग्रंथ साहिब दे विचों जिथों भी हुक्मनामा लवेंगे, चाहे वह रामकली राग चों लै लो, चाहे इस तो भी अगे जाके ले लो, चाहे इधरों तुसीं श्री राग चों लै लो, वह हुक्मनामा ही होगा। क्योंकि कथा रोज़ होंदी, इस करके रिपीट हुंदा होवे जे रोज़ ही उही शब्द तां उस वेले फिर जदों महाराज दा प्रकाश करीदा है तुसीं दरबार साहिब दर्शन करिया करो किवें प्रकाश करदे उत्थे ग्रंथी सिंह। कदी तां गौड़ी राग विच्चों हुक्मनामा इधरले पासों लैणगे, कदी जाके रामकली चों लैणगे, कई वारी आनंद साहिब चों आ जांदा, कई वारी सिद्ध गोष्ठ विच्चों हुक्मनामा आ जांदा, कई वारी वो अंकार बाणी है दखड़ी ओंकार जिन्हों कहते उतों आ जाता है। इस करके ये वहम नहीं करना, लेकिन जिहड़ी मर्यादा है हुक्मनामा लैण की इस दे उत्ते जरूर पहरा देना है कि खब्बे पन्ने तो ही खब्बे अंग तो ही जिहड़ा है वो हुक्मनामा जिहड़ा है इस पासों लैना है, जिहड़ी मर्यादा सानू लागू कीते उस दे अनुसार ही चलना है। भुल्लां चुक्कां की खिमा करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।